ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बीसीडी नंबर 3876, क्लैरिफाइड ऑन 4/2/2022। आज का प्रातः प्रास है 31 दिसंबर 1968 मंगलवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 31 दिसंबर 1968 ट्यूसडे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ करके सिखलाते। द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड टीचेस द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। ऐसे क्यों बोला? Why did he say that? क्योंकि जिस्मानी बच्चे मन देहान में बैठे हुए। इट इज बिकॉज इफ द चिल्ड्रन आर बॉडीली इट मीन्स दे आर सिटिंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस। और रूहानी बच्चे माना आत्मिक स्टेज में। एंड इफ दे आर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन इट मीन्स दे आर इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। तो आत्मिक स्टेज वाले बच्चों को आत्माओं का बाप बैठ करके सिखलाते हैं। सो द फादर ऑफ द सोल्स सिट्स एंड टीचेस द चिल्ड्रन हु आर इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। बॉडी सी सृष्टि का बाप वो भी बेहद का बाप है। द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज ऑल्सो द अनलिमिटेड फादर। वो नहीं सिखलाते। ही डजंट टीच देम। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है। ही इज ऑल्सो द टीचर एवर सिंस ही बिकेम द फादर। तब से ही फिर गुरु शिक्षा भी दे रही है। He is also giving teachings as the guru from that very time. ये तो बच्चे समझते ही है अच्छी तरह से। Children certainly understand it nicely. जबकि वो बाप भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। Well, he is the father, the teacher as well as the guru. एक ही है। The one alone is that. तो कोई छोटा बेबी या बेबी बुद्धि तो नहीं है? नहीं। सो ही सर्टेनली इजंट अ स्मॉल बेबी और द वन विद अ बेबी लाइक इंटेलेक्ट इज ही? नो। तो ऊंचे ते ऊंचा है, बड़े ते बड़ा है। इन फैक्ट ही इज द हाईएस्ट द ग्रेटेस्ट। तो जब से आते हैं बाप भी आकर के बनते हैं। सो एवर सिंस ही केम ही बिकम्स द फादर। वो तो जानते हैं ये सभी मेरे बच्चे हैं। ही सर्टेनली नोज ऑल दीज आर माई चिल्ड्रन। और इन बच्चों ने पुकारा है ड्रामा के प्लान अनुसार कि आए करके हमको पावन दुनिया में ले चलो। एंड दीज चिल्ड्रन हैव कॉल्ड मी अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान। Come and take us to the pure world. क्योंकि वो समझते कुछ नहीं है। कैसे ले चलो, क्या ले चलो? It is because they don't understand anything that how and where he should take them. परंतु तुम बच्चे तो जानते हो रूहानी बच्चे कि पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। But you children, the spiritual children certainly know that the golden age is called the pure world. पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। Hell is called the impure world. तो कहते हैं आए करके हमको रावण की जेल से लिबरेट करके छुड़ाए करके ये दुखों से हटाए करके और अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। So you say, come and liberate us, release us from this jail of Ravan, liberate us from sorrow and take us to your abode of peace and the abode of happiness. क्योंकि सुखदाम और शांति धाम दोनों नाम तो अच्छे ही हैं। It is because the abode of happiness and the abode of peace, both the names are certainly nice. मुक्ति और जीवन मुक्ति, शांति धाम सुखधाम जो तुम बच्चों की बुद्धि में है।
मुक्ति एंड जीवन मुक्ति, द अबोड ऑफ पीस एंड द अबोड ऑफ हैप्पीनेस इज इन द इंटेलेक्ट ऑफ यू चिल्ड्रन। और कोई दे अभिमानियों की बुद्धि में नहीं है। इट इज इंट इन द इंटेलेक्ट ऑफ सम बॉडी कॉन्शियस पीपल। शांति धाम कहाँ होता है, दुख धाम कहाँ होता है, कुछ भी पता नहीं। वेर द अबोड ऑफ पीस इज एंड वेर द अबोड ऑफ सोरो इज, दे डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। क्योंकि बेसमझ है। इट इज बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। ऐसे कहेंगे ना बच्चे। चिल्ड्रन इट विल बी सेड सो, वोंट इट। बाप ने समझाया है कि देखो ये एम ऑब्जेक्ट है, नरसी नारायण नारी से लक्ष्मी बनना, ये तुम्हारी समझदारों की ही एम ऑब्जेक्ट है। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, लुक, टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन, दिस इज द एम ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली यू द इंटेलिजेंट वंस। तो जरूर एम ऑब्जेक्ट होती है वे समझों के लिए। सो सर्टेनली एन एम ऑब्जेक्ट इज फॉर द इग्नोरेंट वंस। समझदार ऐसा बनने के लिए। टू बिकम इंटेलिजेंट लाइक दीज वंस। और ये बाप तो सिखलाया है और बच्चों को औरों को सिखलाना है। द फादर हैज सर्टेनली टॉट दिस एंड द चिल्ड्रन हैव टू टीच इट टू अदर्स। तो सबको सिखलाना है ये एम ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सो यू शुड टीच दिस एम ऑब्जेक्ट टू एवरी वन, यू हैव टू बिकम लाइक दिस लक्ष्मी नारायण। मनुष्य से देवता बनने का है। यू हैव टू बिकम डेटीज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो ये है ही मनुष्य की सृष्टि और ये है देवताओं की सृष्टि। इट इज सर्टेनली द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दैट इज द वर्ल्ड ऑफ द डेटीज। देवताओं की सृष्टि होती है सतयुग में। द वर्ल्ड ऑफ डेटीज इज इन द गोल्डन एज। तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि होगी कलयुग में। सो सर्टेनली द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स विल बी इन द आयरन एज। क्योंकि मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग होगा। इट इज बिकॉज यू हैव टू बिकम डेटीज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, सो देयर विल सर्टेनली बी द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। जहाँ पुरुषों में उत्तम समान लक्ष्मी नारायण जैसे नंबरवार बने। वेर यू बिकम इक्वल टू द बेस्ट अमंग द सोल्स लाइक लक्ष्मी नारायण नंबर वाइज। तो नाम भी पुरुषोत्तम ठीक रखा हुआ है। सो द नेम पुरुषोत्तम दैट हैज बीन गिवन इज एक्यूरेट। क्योंकि वो देवताएं हैं और ये मनुष्य हैं। इट इज बिकॉज दे आर डेटीज एंड दीज वंस आर ह्यूमन बींग्स। ये बेसमझ है। दीज वंस आर इग्नोरेंट। मनुष्य को कहा जाएगा बेसमझ है। द ह्यूमन बींग्स विल सर्टनली बी कॉल्ड इग्नोरेंट। और देवताओं को कहा जाएगा समझदार। एंड द डेटीज विल सर्टनली बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। परंतु ये मनुष्य कोई अपन को बेसमझ समझते थोड़े ही है। नहीं, बट दीज ह्यूमन बींग्स डोंट कंसिडर themselves इग्नोरेंट। नो, कहते भी है देखते भी है मंदिरों में जाते हैं। दे से एज वेल एज सी, दे गो टू टेम्पल्स। जो समझदार हैं वो जाते हैं। दोज हु आर इंटेलिजेंट गो देयर। ऐसे तो बेसमझ ही मंदिरों में जाते हैं। As such, only those who are ignorant go to temples. तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को कि देखो ये रावण तुमको कितना बेसमझ बनाई देते हैं। So the father sits and explains to the children, look, this Raman makes you so ignorant. ये अनेक सिरों वाला अनेक मत देने वाला रावण तुमको बेसमझ बनाता है। This Raman who has many heads, who gives many opinions, makes you ignorant. और एक बेहद का बाप आकर के तुमको कितना समझदार बनाते।
and the one unlimited father comes and makes you so intelligent. तो जो कुछ समझदार बनाते वो ही तुम हम तुमको मनुष्यों को समझदार बनाते हैं. द वन हु मेक्स यू इंटेलिजेंट ही हिमसेल्फ मेक्स अस ह्यूमन बीइंग्स इंटेलिजेंट. कि बाप तो विश्व का मालिक ही कहो, ऐसे गाये तो जाते हैं. द फादर विल सर्टनली बी कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. He is certainly praised like this. अभी कोई है नहीं. No one is that now. परंतु गाये तो ऐसे ही जाते हैं ना. But he is certainly praised like this, isn't he? ये गायन, पूजन, यादगार, सब ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग का है. This praise, worship, यादगार and everything is of this very पुरुषोत्तम confluence age. तो हमको ये समझाना है कि वो बेहद का बाप है. सो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस. ही इज द अनलिमिटेड फादर. और वो एक ही बेहद का बाप सुख देने वाला है. एंड दैट अनलिमिटेड फादर अलोन इज द गिवर ऑफ हैप्पीनेस. बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में. There is unlimited happiness only in the new world. और बेहद का दुख होता ही है पुरानी दुनिया में. And there is unlimited sorrow only in the old world. ये तो बहुत सहज समझाने का है. It is very easy to explain this. समझने का भी और समझाने का भी. It is easy to understand as well as explain. क्योंकि चित्र भी सामने रखे हुए हैं, यादगार चित्र है ना. इट इज बिकॉज पिक्चर्स आर ऑल्सो केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू. दीज आर यादगार पिक्चर्स, aren't they? और इन देवताओं का गायन भी है. एंड दीज डेटीज आर ऑल्सो प्रेज्ड. ये सभी तीर्थ यात्राएं वगैरह, ये चित्रादि, ये सभी देवताओं के हैं मुख्य. ऑल दीज पिलग्रिमेजेस एंड पिक्चर्स एटसेट्रा आर मेनली ऑफ द डीटीज. ऐसे तो आजकल तो मनुष्य को पांच भूतों को भी पूजते. एज सच नाउडेज दे इवन वर्शिप ह्यूमन बीइंग्स द फाइव एलिमेंट्स. परंतु बाप बैठ करके समझाते हैं कि तुम अभी संगम युग पर हो. But the father sits and explains, now you are in the confluence age. दुनिया नहीं जानती है कि हम कोई पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं. The world doesn't know that we are in the पुरुषोत्तम confluence age. तुम हैं? You are there. और तुम्हारे में भी कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है. And even among you, some are number wise according to their purusharth. कि हमारी एक टांग स्वर्ग में है, एक टांग नरक में भी है. Our one leg is in heaven and the other leg is in hell. अथवा जिसको कलयुग कहा जाता है. Which is also called the iron age. तो दो टांग मिलती है तब जब कि बीच में. So both the legs come together when you are in the middle. तो बरोबर रहते ही यहाँ पड़े हुए हो और बुद्धि तुम्हारी नई दुनिया में है. Certainly you are living here and your intellect is in the new world. और जो ले जाते हैं नई दुनिया में उनको ही याद करने के लिए बाप ने कहा है. And the father has asked you to remember only the one who takes you to the new world. क्योंकि उनको याद करने से या बाप को याद करने से तुम पवित्र बनने वाले हो. It is because you will become pure only by remembering him or the father. तो ये सिखलाते हैं ना बच्चे. So children, he teaches this, doesn't he? कौन सिखलाते हैं? Who teaches this?
शिव बाबा सिखलाते हैं। शिव बाबा टीचर्स दिस। तो शिव को तो बाबा ही कहा जाता है। सो शिव इज सर्टेनली कॉल्ड बाबा। अच्छा, शिव जो आएंगे तो नई दुनिया रचेंगे, तो जरूर संगम युग पर ही आएंगे। अच्छा, शिव विल कम एंड क्रिएट द न्यू वर्ल्ड। सो ही विल डेफिनेटली कम ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज। क्योंकि तुम बच्चों को, इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन, जब अभी आते हैं शिव की जयंती मनाते तो जरूर हैं। Now when he comes, they certainly celebrate the Jayanti, that is, birthday of Shiv. अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कला पहले भी शिव आया था। Now, Shiv came in the Purushottam confluence age a cycle ago as well. क्या किया था? What did he do? क्या किया था वो तो कोई को भी मालूम नहीं है बच्चे। Children, what he did, no one knows that at all. जयंती तो मनाते हैं। They certainly celebrate his Jayanti. और जयंती भी मनाते हैं रात्रि की। And they celebrate his Jayanti at night. कह देते हैं महाशिवरात्रि। They say महाशिवरात्रि। क्यों? Why? ऐसे क्यों कह देते हैं? Why do they say so? जयंती मनाएंगे इनकी रात्रि। They will celebrate his Jayanti at night. क्योंकि जयंती अक्षर दिया हुआ है ना देवताओं को, ब्राह्मणियों को। It is because has the word Jayanti been used for the deities or for the human beings? किसको दिया हुआ है? Who has it been used for? तो फिर वही अक्षर शिव के लिए तो नहीं कहा जाएगा ना। So the same word will certainly not be used for Shiv, will it? तो इसलिए न काफिर है ही शिवरात्रि। This is why his is शिवरात्रि। जयंती नहीं कहेंगे। It won't be called जयंती। 31 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। Second page of the morning class dated 31st December 1968. Third line. अभी शिवरात्रि का अर्थ तो कोई भी नहीं समझते हैं बिल्कुल ही। Now, no one understands the meaning of शिवरात्रि at all. कि भले घोर अंधकार की रात्रि है, अज्ञान की रात्रि है, लेकिन कल्याणकारी रात्रि। Though it is the night of extreme darkness, the night of ignorance, it is beneficial. तो तुम बच्चों को तो ये समझाया जाता है कि रात्रि ये भक्ति मार्ग के अंत की रात्रि और ज्ञान मार्ग के आदि की रात्रि। So, you children are explained that it is the night of the end of the path of bhakti and the beginning of the path of knowledge. ज्ञान की आदि। It is the beginning of knowledge. तो उस रात्रि को कहा जाता है भाई घोर अंधेरा, घोर अज्ञान अंधकार। So it is said that there is deep darkness, extreme darkness of ignorance during that night. तो भक्ति को ही कहेंगे घोर अज्ञान का अंधकार। भक्ति अलोन विल बी सेड टू बी एक्सट्रीम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अभी ये भक्ति घोर अंधेरा है। नाउ देयर इज एक्सट्रीम डार्कनेस इन भक्ति। और ये बात तो कोई समझ भी नहीं सके। एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड इट ईदर। कोई की बुद्धि में बैठे भी नहीं। इट डजंट सिट इन एनीवनस इंटेलेक्ट ईदर। क्यों अंधेरा कहा जाता है? व्हाई इज इट सेड टू बी डार्कनेस? क्योंकि अंधेरे में भटकना बहुत पड़ता है। इट इज बिकॉज समवन हैज टू वंडर अ लॉट इन डार्कनेस। और दुख भी यथा।
एंड सोरो इज ऑल्सो इमेंस देयर। बाप ने बच्चों को कहा था कि अथाह दुख भी लिखो और अथाह सुख भी लिखो। द फादर टोल्ड द चिल्ड्रन राइट देयर इज इमेंस सोरो एज वेल एज एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो जरूर अथाह दुख और अथाह सुख का संगम तो होगा ना कोई समय। सो सर्टेनली देयर विल बी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इमेंस सोरो एंड एक्सट्रीम हैप्पीनेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वोंट देयर। अथाह दुख पूरे होते हैं तो अथाह सुख शुरू होता है। When immense sorrow comes to an end, extreme happiness starts. क्योंकि कलयुग के अंत में अथाह दुख अंत ही लेना चाहिए, उनकी भी याद लेना चाहिए। There is immense sorrow in the end of the Iron Age. You should take its of the Iron Age end and its of the Golden Age beginning into account. तो तुम बच्चों को ज्ञान तो है, आदि मध्य और अंत का ज्ञान। So you children certainly have knowledge, the knowledge of the beginning, the middle and the end. अभी सृष्टि के आदि को भी जानते हो, सृष्टि के मध्य को भी जानते हो, जब कि अंधियारा शुरू होता है। Now you know the beginning as well as the middle of the world when darkness starts. फिर अंत को तो अभी तुम देख ही रहे हो। Then you are certainly watching the end now. समझ ही रहे हो इस ज्ञान को। You are understanding this knowledge. सो भी कोई सभी तो नहीं समझते हैं ना, नहीं बच्चे। वेल नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड इट डू दे नो चिल्ड्रन। सभी नहीं पढ़ सकते हैं। नॉट एवरी वन कैन स्टडी इट। जितनों ने कल पहले पढ़ा था वो उतने ही पढ़ेंगे। एज मेनी सोल्स स्टडीड इट इन द प्रीवियस साइकिल ओनली दोज मेनी विल स्टडी नाउ। और जितनों ने जो पुरुषार्थ कल पहले किया था वही करने लग पड़ेंगे ड्रामा के बस में हो करके। एंड वॉट एवर पुरुषार्थ दे मेड इन द प्रीवियस साइकिल दे विल स्टार्ट मेकिंग द सेम पुरुषार्थ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामा। और फिर ऐसा ही पद भी पाएंगे वहाँ। एंड दे विल ऑल्सो अटेन अ पोजिशन अकॉर्डिंगली देयर। ठीक है ना बच्चे। चिल्ड्रन इट इज करेक्ट इजंट इट। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्कर जो है वो पूरा समझते हो कि बरोबर जैसे मनुष्य आते हैं शुरुआत में इस झाड़ में नंबरवार फिर पुरुषार्थ अनुसार तो कहेंगे ऐसे ही तुम फिर उतरते भी हो ऐसे ही हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर आते हैं। You understand this cycle completely through your intellect. Certainly, people come in this tree in the beginning and then they will certainly be called number-wise according to their Purusharth. You also descend in the same way, number-wise according to your Purusharth. Then you come. Kirumala hai na, phir bhi. It is because it is after all a rosary, isn't it? बाप ने समझाया है कि सारी जो मनुष्य की आत्माएं हैं ये सभी माला है। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड ऑल द ह्यूमन सोल्स आर इंक्लूडेड इन द रोजरी। क्योंकि नंबर वार ही आते हैं ये सभी। इट इज बिकॉज ऑल ऑफ देम कम नंबर वाइज। आगे पीछे इनको ऐसे पार्ट नहीं मिला हुआ है। दे हैवंट रिसीव्ड सच पार्ट इन द बिगनिंग और इन द एंड। देखो कोई भी नाटक होगा तो उनको पार्ट मिला हुआ है कि भाई किस समय में आना है सबको। लुक व्हेनेवर अ ड्रामा इज इनएक्टेड दे रिसीव अ रोल एंड दे आर टोल्ड एट व्हाट टाइम दे हैव टू कम। वो तो उनको समझाया जाता है। दे आर सर्टनली एक्सप्लेन्ड दैट।
तो वो तो विनाशी नाटक है, पर ये तो बेहद का बना बनाया नाटक है। इट इज बिकॉज दैट इज अ पेरिशेबल ड्रामा, बट दिस इज द अनलिमिटेड प्रीऑर्डेन्ड ड्रामा। बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि भाई ये अनादि ड्रामा ऐसे बना हुआ है। He sits and explains to the children, this eternal drama is made like this. तो जैसे तुमको बाप बैठ करके समझाते हैं, पर इस समय में जो बाप समझाते हैं वो ही तुम बच्चों को अपने भाइयों को समझाना है। So it is as if the father sits and explains to you. Whatever the father explains now, you should explain the same to your brothers. अच्छा, ये भी कोई नई बात नहीं है। अच्छा, it isn't something new either. क्या भी समझाते हो? You explain it now. तुम्हारी बुद्धि में है जरूर। It is certainly in your intellect. कि हर 5000 वर्ष बाद हमको बाबा समझाते हैं और हम भाइयों को समझाते हैं। बाबा explains to us after every 5000 years and we explain to the brothers. आत्मा आत्मा भाई ही कहेंगे ना? The souls will certainly be said to be brothers for each other, won't they? क्योंकि बहन कहे तो शरीर आ जाता है। It is because if you say sister, the body appears in front of you. भाई भाई आत्मा आत्मा कहने से फिर शरीर नहीं होते हैं। You aren't a body by saying souls are brothers for each other. तो आत्माओं का बाप भी आकर के बच्चों को अशरीरी आत्माओं को समझाते हैं। So the father of the souls comes and explains to the children the bodiless souls. देवान में बैठने वाले समझते भी नहीं और बाप समझाते भी नहीं। Those who sit being body conscious neither understand nor does the father explain to them. तुम भी अपन को अशरीरी समझ। You should also consider yourself bodiless. कि बाप समझाते रहते हैं मीठे बच्चों, इस समय में अपन को अशरीरी समझो। It is because the father keeps explaining, sweet children, consider yourself to be bodiless now. क्योंकि तुम आत्मा हो। It is because you are a soul. और ये भी समझते हो कि बरोबर आत्मा को ही बाप को याद करना। And you understand this as well, that a soul certainly has to remember the father. तभी पावन बनेंगे। It is then that it will become pure. क्योंकि ये जड़ देह विनाशी देह तो नहीं याद कर सकती है। It is because this inert body, the perishable body, can't remember him. नहीं। No. आत्मा को ही पहले रखेंगे। The soul will be kept first. तो जब आत्मा पवित्र बनती है तो जीवर भी पवित्र होता है। So, when the soul becomes pure, the jewelry also becomes pure. आत्मा पवित्र नहीं है तो ये शरीर रूपी जेवर भी अपवित्र। If the soul is impure, the jewelry like body is also impure. तो अभी बच्चों को तो ये मालूम हो गया। So now, children have certainly come to know this. बाबा हमेशा कहते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कि एक बच्चा न मिले दूसरे से। बाबा ऑलवेज सेज नॉट वन चाइल्ड मैचेस अनदर नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू हिज पुरुषार्थ। एक की फीचर से भी न मिले दूसरे की फीचर से। द फीचर्स ऑफ वन पर्सन डोंट मैच दोज ऑफ अनदर। तो एक की एक्टिविटी भी न मिले दूसरे से। So, not even the activity of one person matches with that of another. क्योंकि ये है बेहद का नाटक। वो हद के नाटक होते हैं जो तुम देखते हो, देखते जाते हो।
तो ये भी तुम समझते हो। जब बायोस्कोप में आते हैं तो नंबर वार ही आते हैं पार्ट बजाने के लिए। इट इज बिकॉज दिस इज द अनलिमिटेड ड्रामा, दोज आर लिमिटेड ड्रामास विच यू कीप वॉचिंग, सो यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल दैट वेन दे कम इन द थिएटर दे सर्टनली कम नंबर वाइज इन ऑर्डर टू प्ले देयर पार्ट। नंबर वार ही रखा हुआ है। दे आर सर्टनली प्लेस्ड नंबर वाइज। कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। There will never be a difference. चाहे तुम 10 दफा 20 दफा जाके देखो उस ड्रामा को। You may go and watch that drama 10 to 20 times. उनको देख सकते हो 10 दफा 2 दफा। You can watch them 10 times or 2x. आज देखो, कल भी चाहिए देखो। You watch it today and if you wish, you can watch it tomorrow as well. तो वो ही देखेंगे जो कल देखा था। You will watch the same scene that you watched yesterday. ऐसे है ना बच्चे? It is like this, isn't it children? जो कल देखा, अगर आज भी जाकर देखेंगे तो ऐसे। What you watched yesterday, if you go and watch it today as well, it will be the same. तो ये भी बाप कहते हैं, इसको बेहद को भी कहते हैं, आज और कल। So the father says the same thing for this unlimited drama as well. It is the same today as well as tomorrow. 31/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। थर्ड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 31/12/1968। जो कल तुमने ये समझा इनको। यू अंडरस्टूड इट यस्टरडे। सो फिर समझ करके और बादशाही ले ली और फिर घूम आई। यू अंडरस्टूड इट एंड टुक द एम्परशिप एंड देन यू लॉस्ट इट। और फिर आज समझ रहे हो। एंड देन यू अंडरस्टैंड इट टूडे। तो गाया जाता है ना, आज क्या है कल क्या होगा। सो इट इज सेड इजंट इट व्हाट इज हैपनिंग टुडे एंड व्हाट विल हैपन टुमारो। ये तो समझते हैं कि बरोबर कि आज ये भारत तो बेचारा पुराना है। यू सर्टेनली अंडरस्टैंड दैट पुअर भारत इज ओल्ड टुडे। इसको नरक ही कहा जाता है। इट इज सर्टेनली कॉल्ड हेल। कल इनको नया और स्वर्ग कहेंगे। टुमारो इट विल बी कॉल्ड न्यू हेवन। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो यही है ना कि हम अभी नई दुनिया में जा रहे हैं। इट इज बिकॉज इट इज सर्टेनली इन योर इंटेलेक्ट वी आर गोइंग टू द न्यू वर्ल्ड नाउ। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। वी आर बिकमिंग एलिवेटेड ऑन श्रीमत। तो कोई हम श्रेष्ठ बनते हैं तो हमारे लिए ये सृष्टि भी तो श्रेष्ठ नहीं बनती है ना। When we become elevated, this world also becomes elevated and new for us, doesn't it? क्योंकि जो श्रेष्ठ होगा सो श्रेष्ठ सृष्टि पर होगा। It is because those who are elevated will certainly be present in the elevated world. तो बरोबर है भी ऐसे ही। So, it is certainly like this. ये श्रेष्ठ है तो देखो श्रेष्ठ सृष्टि में स्वर्ग में रहते हैं। Look, those who are elevated live in the elevated world in heaven. और जो भी भ्रष्ट होते हैं वो तो फिर नरक में ही रहते हैं। And all those who are corrupt, they live only in hell. Om Shanti. Om Shanti.